अरे बाप रे, मुझे तो बहुत भूख लगी है। कोई देखे नहीं तो बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत दृष्टि है। जैक, मुझे पूरा यकीन था कि तुम इस कूड़ेदान में ही मुझे यहाँ पर मिलोगे। हे एडम, मैं यहाँ हूँ मिस्टर नेट। मुझे मेरे क्लासमेट की थोड़ी सी मदद करनी है। वो क्या है ना, इसे बहुत ही भूख लग रही है, तो तुम्हें पता है ना क्या करना। मैंने अभी तक कचरा फेंका नहीं था। ये तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ। मैं समझ सकता हूँ जैक, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी टेस्टी खाना तो बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि तुम गरीब हो जैक। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर मजाक हो रहा है? ओ वाओ, ये कितनी सुंदर है। हेलो, उसे देखना बंद करो जैक, वो तुम्हारी औकात से बहुत आगे है। लेकिन वो है क्यों नहीं? क्योंकि सारी लड़कियां मुझ जैसे अमीर लड़कों को पसंद करती है, तुम जैसे को नहीं। पैसा ही जिंदगी में ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। हे भगवान, बहुत बढ़िया। नेट, हाय। मेरी स्कर्ट और टॉप देखो, या फिर मेरा हैंडबैग, ये ब्रांडेड है। दूर हटो, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। अरे हाय लड़कियों। हाय। ओह वाओ, ये है क्या? अपने गरीबी वाली छाप मेरे पैसों पर छोड़ना बंद करो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम केसी है, मैं तुम्हारी क्लास में नई हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता कि स्कूल में अच्छे कपड़े पहनने चाहिए? इसमें क्या खराबी है? तुम्हारी स्कर्ट तो टॉयलेट साफ करने वाले चीथड़े की तरह दिखती है। वैसे तुम उतनी भी बेकार नहीं हो। मैंने कहा उससे दूर हो जाओ। मुझे छूना बंद करो ना, मुझे भी गरीबी की बीमारी लग जाएगी। चलट, क्या यहाँ हर कोई पैसे के लिए पागल है? देखो, उस पर ध्यान मत दो, अमीर लोगों के यही चोचले होते हैं। बाय द वे, मैं जैक हूँ। जैक, शायद हम क्लास के बाद लंच कर सकते हैं? सिर्फ मैं और तुम? बहुत खुशी होगी मुझे। भले से ये डेट नहीं है, मगर मुझे ऐसा कुछ ले जाना होगा जिससे कैसी खुश होगी। अरे तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक तोहफा खरीदना है, वो भी सबसे खूबसूरत लड़की के लिए। कुछ भी छूना मत। तो फिर मैं इसे खरीदूंगा कैसे? पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ बिल्कुल है। ये लो, ये पूरे नहीं और है। हाँ, क्या इतना बहुत है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? इतने पैसे में तो आएगा सिर्फ ये। अरे बाप रे, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। तुम्हारा शुक्रिया। हमारी प्राइसेस नॉर्मल है। नेट, शायद हम डेट पर जा सकते हैं। हाँ नेट, मुझे देखो, मैं बहुत सुंदर हूँ। घर में स्वागत है मिस्टर नेट। बासमती लड़कियों को निकालो यहाँ से, इनमें से बहुत ही बुरी बदबू आ रही है, जैसे कचरे से उठ के आई हैं। नेट, नेट, दरवाजा खोलो, इसे खोलो। नेट, दरवाजा खोलो। नेट, नेट, दरवाजा खोलो। बस भी करो, दरवाजा खोलो। नेट, आपकी कॉकटेल। तुम्हें सच में लगता है मैं आराम कर सकता हूँ, वो भी ऐसी ड्रेस में? हाँ बस एक सेकंड। ये लीजिए। तुम्हें मुझे देखकर ऐसा लग रहा कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ। चलो पजामा लेके आओ मेरा।
पजामा वो कहाँ है? ओ कहाँ है? ओ मैंने ढूंढ लिए। चलो पहनाओ मुझे, मैं अपने आप तो नहीं पहन सकता ना। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रहे हो? मुझे माफ करना। अब ये हुई ना कुछ बात, ये लो ये पैसे तुम्हारे लिए। ये गला बेवकूफ तो है लेकिन कम से कम कंजूस तो नहीं है, मेरे लिए बढ़िया है। नेट, बाहर आओ। आखिर ये बास मारती लड़कियां अभी यहाँ पर क्यों है बता? मेरे को तो भरोसा ही नहीं हो रहा साहब कि नई लड़की आपका पीछा क्यों नहीं कर रही है। ये तो कुछ काम की बात की। चलो बताओ मुझे, क्या मुझे इनमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए? बढ़िया आइडिया है, मेरा मजाक उड़ाने के लिए फिर इसके पास कम टाइम होगा। आखिर तुम खड़े क्यों हो गए? ऊप्स। ठीक है, जूस, केक, बर्गर, इतना काफी हो जाना चाहिए। कितने का हुआ ये सब? 50 रुपए। इतना काफी होगा है ना? ये आखिर है क्या? इतना काफी नहीं है? ओ लगता है बाकी के पैसे चूहे ले गए हैं। कौन से चूहे? इधर दो चलो। पर मुझे कैसी को लंच करवाना है, मुझे खाना चाहिए। ठीक है, मेरा मूड अच्छा है, ये ले जाओ गर्लफ्रेंड के लिए अपनी। वैसे तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए। हमारा लंच, कोई तोहफा नहीं बचा, कितनी बुरी बात है। ओ मेरे पास एक आइडिया है। चलो मेरे पास कुछ तो है देने को। हाय जैक। हाय कैसी? ये तुम्हारे लिए। आओ, ये बहुत प्यारा है, तुमने बनाया? हाँ, मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा। ओ, शुक्रिया। मुझे लगता है मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है? मुझे लगता है ये एक डेट है, एक सड़ा हुआ संतरा और कागज के फूल के साथ। क्या वो मेरी तरफ तो देखते तक नहीं है और उस गरीब के साथ डेट पर आई है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जैक बहुत अच्छा है, किसी ने भी कभी मेरी इतनी परवाह नहीं की। ये क्या है? हे नई लड़की, क्या तुम जानती हो कि इस स्कूल में एक रूल है? कौन से रूल? नेट के पास मत जाना, वो हम में से एक का होगा। ये क्या है? इसे वापस करो, ये मेरा है। नहीं, क्या तुमने देखा, वो गई नहीं, किसी ने उससे डेट का पूछा। लेकिन अब ये नहीं जान पाएगी कि वो कौन था। तुमने मेरी आइसक्रीम खराब कर दी। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें सही सबक मिला, ये मेरा है। बहुत हुआ, अब ये गई। अरे वाह, क्या जैक ने ये सब मेरे लिए तैयार किया है? लेकिन उसे पैसे कहाँ से मिले? स्कूल के सबसे अमीर लड़के से मिले, नेट। मिस्टर नेट बोलना, समझे? नेट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाहिर है मैं तुम्हारे लिए डेट पर आऊँ, क्यों तुम्हें क्या लगा? लेकिन मैंने सोचा। ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम सच में इसे डिजर्व करती हो। मैं इसे नहीं ले सकती। पर क्यों? ये क्या हो रहा है? आखिर तुमने ये बकवास क्यों पहना है? इसमें तो मैं एकदम बेकार लग रहा हूँ। एडम, फाड़ के फेंक दो इन्हें। ये खास तरीके की पार्टी है, चलो निकलें यहाँ से। खास?
नेट और उस लड़की के लिए? मुझे जाना होगा। केसी, हमारी डेट का क्या? आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो? एक डेट? हाँ, तुम दोनों की वजह से मेरी डेट खराब हो गई। वो तुम्हारी वजह से मुझे सजा देगा। वैसे मैं सदमे में हूँ। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल कह लूं। तुम्हारा गाना सीधा मेरे दिल में उतर गया। हे, वापस आ जाओ, तुमने कुछ तो गिरा दिया है यहाँ। अरे बाप रे, वो उस पैसे का क्या कर रहा है? उसे उन्हें वापस देना चाहिए। इसमें एक नोट है, लगता है उसका एड्रेस लिखा होगा। इतना भी चुप मत रहो। ओह, खुशी है, आज कुछ पैसे कमा लिए मैंने। दिलचस्प। वाओ, आईफोन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कितना महंगा है ये। जैक, तुम सच में बाकी सभी की तरह नहीं हो। मुझे उस लड़की को ढूंढना है और उसे वो फोन देना है जिसके उसने सपने देखे थे। मेरे पैसे कहाँ गए? अरे ओह, तो तुम यहीं पर हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ये लो, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? तुमने अपना पर्स घुमा दिया था और उसमें एक नोट था कि तुम्हें आईफोन लेना था, तो ये लो। लेकिन उसमें पूरे पैसे नहीं थे। well, थोड़े से पैसे मैंने मिला दिए थे। शुक्रिया, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। यकीन नहीं होता, इसकी उम्मीद नहीं थी। सपना पूरा करने में बहुत खुशी मिलती है, मेरा ना हो तो भी। जैक, तुम शानदार हो, तुमने ये शानदार किया है। कैसी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, मैंने तुम्हें देखा और सोचा कि तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहिए। क्या डेट? क्या तुम नहीं चाहते? हाँ हाँ, बिल्कुल जाऊंगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं कितना खुश हूँ। अगर मैं और केसी आपको साथ में अच्छे लगते हैं तो कमेंट्स में बताइए। ओके, केसी के साथ डेट पर मुझे एकदम झक्कास देखना होगा। ये तो बेकार है। ओ, ये बुरा नहीं है, भले से इस पर स्त्री नहीं है। ओके, ओ कितनी बेकार बदबू थी। ओ, अब ठीक लग रहा है। ओ, मैं तो इसे भूल ही गया था। अरे यार, इतनी खतरनाक बदबू कहाँ से आ रही है? टॉयलेट से आई हो क्या? ये कोई बदबू नहीं है, ये मेरा परफ्यूम है। कितना बढ़िया है ना? क्या बकवास है, तुम्हें चाहिए क्या? पैसे हैं कि नहीं है? थोड़ी सी चाय इस कप में डाल दो। अच्छा ठीक है, और मेरे टी बैग्स यूज करो। ओके, और पानी भी मेरा ही रहेगा, बस एक काम करना, इसे थोड़ा सा गर्म कर देना। केटली तो काम नहीं करती। एक काम करो, ऐसे ही ले जाओ आइस टी। वेल, तुम तो कॉफी बनाते हो, तुम्हें अच्छे से पता होगा। ये रहे चम्मच, चलो 20 रुपए लाओ। क्या, पूरे के पूरे 20 रुपए? मैं सारी चीजें घर से लाया था और मैंने बनाया भी खुद ही है। तुम अपना सामान कैफे में नहीं ला सकते। तुम तो लुटेरे हो, मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। वैसे भी मेरे पास 1 रुपया नहीं है। क्या सब ठीक है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। ये चाय के पैसे नहीं दे रहा, सिर्फ 20 रुपए। मैं पैसे दूंगी, ये लो। कैसी, मैं तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगा। मुझे बुरा लग रहा है, मैंने हमारी डेट को बर्बाद कर दिया। चिंता मत करो जैक, पैसा सिर्फ कागज है, तुमने कुछ बर्बाद नहीं किया।
तुम कितनी अच्छी हो, मुझे खुशी है कि तुम हमारे स्कूल में आई। मुझे लगता है ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है, जैक बहुत अच्छा है, मुझे कभी कोई ऐसा नहीं मिला। केसी रुको, क्या तुम्हें स्कूल में हेलो कहना नहीं सिखाया? नहीं, तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगता है मेरी लास्ट डेट उतनी भी अच्छी नहीं थी, तो क्यों ना हम अपनी डेट को एक और चांस दे दें? चले जाओ, मैं बिजी हूँ। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तक किसी भी लड़की ने मेरे प्रपोजल को मना नहीं किया है। तुम्हें ये तो देखना ही पड़ेगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है। एडम, बड़ी मुश्किल से लाया। तो ये लो कमाल का प्रेजेंट, ये पूरे 3 किलो से भी कहीं ज्यादा का सोना है। ये बहुत भारी है, उतारो इसे। ओ, तो तुम्हें ये पसंद आ गया, तुम जा सकते हो। तो क्या तुम अब मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी या फिर हम सिर्फ हैंगआउट के लिए भी जा सकते हैं? नेट, मुझे जैक पसंद है। हेलो, अरे एडम, तुम कहाँ पर भाग गए? इधर आओ जल्दी से। नेट, मैं तुम्हारे साथ बाहर चलूंगी। तो तुम लाइन पर आई गई, पैसे से नाम कुछ भी खरीद सकते हैं। मेरी कैसी, हमने एक दूसरे को पूरा दिन नहीं देखा है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुमने देखा कि कैसे उस भिखारी को नई लड़की से प्यार हो गया। ये उसके लिए अच्छा मैच है, हमारे हैंडसम नेट की तरह नहीं। जैक, हेलो, हमें बात करनी है। कैसी, अच्छा हुआ कि तुम आ गई, ये तुम्हारे लिए। आखिर ये सब चल क्या रहा है, तुमने ये सब मेरी गर्लफ्रेंड के लिए बनाया? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? हाँ, वो क्या है ना, हम दोनों बाहर जा रहे हैं, हमें कितनी देर और रुकना पड़ेगा। अरे ईरा, तो ये लो कैसी, असली हीरो का हार, बहुत ही महंगे हीरे हैं ये, तो जलने दो जो लोग जलते हैं। शुक्रिया नेट, ये बहुत प्यारा है, लेकिन मैं सब समझ गया, मुझे लगा कि तुम बाकियों की तरह नहीं हो। देखकर चल बे बेवकूफ। बेवकूफ बटलर, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या नेट अंधा है? वो एक बेवकूफ लड़की है। इस बेवकूफ को सबक सिखाने की जरूरत है, मैं सोचूंगी कि क्या करना है। मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ, मुझे लगा था कि कैसी बहुत अच्छी है। एक और बार मुझे निराश होना पड़ा। नेट, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अरे चलो आ जाओ, चलते हैं। ओ बेकारी, अब तू किस पर बनाएगा, किसी टॉयलेट पेपर पे? जहाँ मेरी मर्जी वहाँ बनाऊंगा बेवकूफ। नेट रुको, उसके साथ ऐसा बिहेव मत करो। ए डॉम, इसने मुझे बेवकूफ कहा, इसे ठिकाने लगाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई तू मिस्टर नेट का नाम अपनी गंदी चीप पर लाए बे? मुझे अकेला छोड़ दो। नीत, जैक को अकेला छोड़ दो, तुम उसके लिए इतने घमंडी क्यों हो? भिखारियों को उनकी औकात पता होनी चाहिए। चलो मैं तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदता हूँ, ठीक है? यहाँ से भाग जा, चल निकल यहाँ से। मार दूंगा, समझ गया? मैं तुम्हारे लिए ऐसी ड्रेस खरीदूंगा जो कि बहुत महंगी होगी, जो तुमने आज तक कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। लेकिन मुझे ड्रेस नहीं चाहिए, मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। अरे ये क्या, ए दरवाजा खोलो, अभी क्या बे? कैफे बंद है, आप लोग कल आइएगा। मैं तुम्हारी पूरी दुकान खरीद सकता हूँ, समझे? हम तो आपके आने की तैयारी कर रहे थे, कैफे तो अभी खुला है, बाकी लोगों के लिए बंद है। आइए ना। हाँ वो तो हम आएंगे ही। नेट, क्या हम बात कर सकते हैं? करेंगे ना, बाद में करेंगे, आराम से बैठ के, ठीक है? अब मुझे जिंदगी भर फालतू काम करने की जरूरत नहीं है। बताइए क्या बताऊँ आपको, शॉर्ट ड्रेस, लॉन्ग ड्रेस या आपको सलवार दुपट्टा दिखा दूँ? मुझे ड्रेस नहीं चाहिए, मुझे तो। अरे ले लो कोई ड्रेस चुपचाप से, आखिर मैं इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा हूँ, वो भी एक ड्रेस के लिए, बताओ मुझे। ठीक है, शायद ये। वाह क्या पसंद है, इससे महंगी ड्रेस हमारे स्टोर में नहीं है। कितना? नेट ये सच में महंगा है, मुझे ऐसे गिफ्ट नहीं चाहिए। अरे यार ये कैसी गर्लफ्रेंड है आपकी? मेरी बात को कान खोल के सुन लो। ओ, दर्द होता है। अगर तुम वाकई में मेरे साथ डेट पे जाना चाहती हो तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा सोचे कि मेरे पास एक बेकार गर्लफ्रेंड आ गई है।
लेकिन मुझे कुछ बात करनी है। अगर तुम मुझे ये कहते हो कि तुम्हें ये ड्रेस पसंद आ गया तो मैं ये खरीद लूंगा, और उसके बाद तुम इसे स्कूल पार्टी में भी पहन के जा सकती हो। ठीक है नेट। और खबरदार मुझसे अगर सवाल किया तुमने, पैक कर दो उस बकवासी ड्रेस को, हम इसे खरीद लेंगे। बहुत बढ़िया चॉइस, आपको देने हैं $10,000। क्या उसने सच में उसके लिए $10,000 की ड्रेस खरीदी? बहुत हुआ, अब मेरा सब्र खत्म हो चुका है। ईवा रुको, तुम क्या सोच रही हो? मैं इस ड्रेस का क्या करूँगी, और ये इतनी महंगी है। नेट मेरी बात ही नहीं सुनना चाहता। पकड़ी गई। हमने कहा था नेट के पास मत जाना, और तुमने नहीं सुना, और अब तुम भुगतोगी। टीना पकड़ो इसे। हाँ क्यों नहीं। तुम क्या कर रही हो, रुको। ईवा क्या लगता है हमारी नई लड़की के लिए शॉर्ट हेयर कट बेहतर होगा, तुम क्या सोचती हो? जाने दो। टीना इसे पकड़ो। अगर अगली बार मुझे छुआ तो मैं तुम्हारा मुंडन कर दूंगी, समझ में आया? मेरे बाल नहीं। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। हाँ? अरे मैं बहुत डर गई थी, मेरे बाल तो ठीक है ना, उस पागल औरत ने काटे तो नहीं? शांत हो जाओ, अब उसे सबक चाहिए। चलो प्लान बी अप्लाई करें। मुझे इस बेवकूफ पार्टी में क्यों जाना पड़ेगा? रुको, ये डकैती है, मेरा मतलब किडनैप। तुम कौन हो, दूर हो जाओ, मेरे पास पेपर स्प्रे है। अरे यार, उन लोगों ने मुझे ये बताया नहीं। ये तो बहुत आसान है। हे, उसे जाने दो। जैक मदद करो। अब ये कौन है? मैं बस एक ही बार बोलता हूँ, उसे जाने दो और फिर कभी उसके पास मत आना। अब क्या, तुम्हारे पास तो जूता भी नहीं है। जैक। लेकिन मेरे पास ये है। अरे बाप रे, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। थैंक यू जैक, तुमने मुझे बचा लिया। कोई भी होता तो वह यही करता। जैक चलो बात करते हैं। अब बात करने को बचा ही क्या है। हाँ, सही कह रही हो। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम उसका अपहरण करने वाले थे। वो बहुत भयानक था। हमने तुम्हें किस बात के लिए पैसे दिए थे? अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो पैसे वापस कर दो। वो तो मैंने खर्च कर दिए। तुमने खर्च कर दिए? ठीक है चिल्लाओ मत, मैं चुरा कर ले आऊंगा, पर पहले मुझे बाथरूम जाने दो। हाँ, कचरा। क्या तुमने वो ड्रेस ट्राई की जो कि मैंने तुम्हें पार्टी के लिए खरीद के दी थी? मैंने पहन ली। नेट क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक रिक्वेस्ट की थी? रुको, ये किडनैपिंग है या डकैती, मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। अब तुम फिर से क्या चाहिए तुम्हें बताओ, पैसा चाहिए तो ये लो। वाह कमाल है, लेकिन ये नहीं चाहिए। तो क्या डायमंड चलेंगे ना, ये लो। अरे बापरे, ये असली है क्या? लेकिन मुझे ये चाहिए। मैं? क्या तुम्हें ये चाहिए? रख लो, चलो। नेट तुम कहाँ जा रहे हो? जब तुम्हें नया बॉयफ्रेंड मिल जाए तो मुझे कॉल करना, लेकिन ध्यान रहे वो थोड़ा बहादुर हो, है ना? कल रात की मार बस नहीं हुई क्या? अरे यार तुम फिर आ गए। तुमने अपने लिए एक बढ़िया बॉयफ्रेंड चुना है, कैसी जो तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर सकता। मैंने उसे नहीं चुना, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। बहन क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? कैसी, मुझे कॉलेज से बाहर निकाल रहे हैं, मुझे अभी पैसों की जरूरत है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं? पर कैसे, तुम जानती हो कि मेरे पास कॉलेज की फीस के लिए भी पैसे नहीं है। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, नहीं तो हमारे मम्मी पापा मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। ओ नहीं, अब मैं क्या करूं? नीट, मैं तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगी। मैंने अपनी बहन के लिए किया जैक। तो फिर तुम उसके साथ डेट पर क्यों गई? क्योंकि वो मेरी मदद करने वाला था, लेकिन उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। तो फिर तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कोशिश की पर मैं तुम्हारी बहन के लिए पैसे कमा लूंगा कैसी,
मैं वादा करता हूँ। तुम कहाँ से लाओगे जैक? पैसे पेड़ पर नहीं उगते। मैं उसे सीख लूंगा, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। हाँ, उस क्रिमिनल ने मुझे सच में बहुत डरा दिया था, मुझे तो अब तक डर लग रहा है। और अब तो पार्टी भी है। पार्टी जल्दी है, अगर मैं आपके साथ होता तो मैं उसे पीट पीट के। उम्मीद करता हूँ कि केसी उस क्रिमिनल से बच गई हो, वरना जो मैंने इतना पैसा लगाया उसका क्या होगा। मैं तो तैयार हूँ। मैंने पूरे 3 घंटे तक पोज दिया हूँ इसके लिए, तो मैं नौकरी से निकालता हूँ। मैंने कोशिश तो करी, मैं कोई कलाकार थोड़ी हूँ। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। गरीब लोग मुझे हर जगह परेशान करते हैं। मैं कैसी के लिए कुछ भी करूंगा, चाहे वो गंदा काम क्यों ना हो। ये उतना मुश्किल नहीं है जितना सोचा था। बस कुछ और दिन और मैं उसे वो दे दूंगा जो उसे चाहिए। उप्स, तो ये। और नेट, मैं देख रही हूँ कि तुम आज अकेले हो, तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है? शायद नेट समझ गया है कि वो उसके लायक नहीं है। वो यहाँ क्या कर रही है? शुरू होता है प्लान बी। केसी, तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी जो कि मैंने तुम्हें दिलवाई थी? शायद तुम्हें ये पूछना चाहिए कि तुम उस क्रिमिनल से कैसे बची जहाँ से तुम भाग गए थे। केसी, ये लो, ये पैसे काफी होंगे ना? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ? क्या तुम पागल हो गई हो? बिल्कुल नहीं। क्या होने वाला है? नीट से कोई पंगा लेके आज तक जिंदा नहीं बचा है। कैसे? कितना अजीब है। मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। ये लो, चलो कैसे यहाँ से चलते हैं अभी। लेकिन पैसे का क्या? मैं और कमा लूंगा। दफा हो जाओ बेवकूफो। ये लो, जैसा कि मैंने वादा किया था, तुम्हारी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे। जैक, तुम मेरे फेवरेट हो, लेकिन तुम्हें मिले कहाँ से? वेल, मुझे एक जॉब मिल गई है। तो फिर लड़कियों, ऑर्डर करो जो भी तुम्हें चाहिए, मैं उसके लिए पे कर दूंगा। हुर्रे! शायद हम वॉक पर जा सकते हैं। बढ़िया आइडिया है डार्लिंग। मैं झींगा मछली और सबसे महंगा सलाद लूंगी। और मुझे ऑक्टोपस और सी फूड चाहिए। बहुत स्वादिष्ट था। हाँ, शुक्रिया नेट। हे वेटर, चेक लाके दो इनको। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? बिल तो तुम चुकाने वाले थे। मैं तो मजाक कर रहा था। नेट! भला आखिर मैंने इतना पैसा क्यों दिया जबकि तुम इस बकवास को अरे बिल्कुल चल लूंगा। अरे डर्न, ये क्या है, इतने सारे पैसे? अरे ऐसा लग रहा है बारात से लूट रहा। हेलो एवरीवन, आखिर ये सब है क्या? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे पास तो पैसा भी नहीं है। तेरे पास भी नहीं है, वो तो गरीब लोगों से तंग हूँ मैं। लेकिन इस बार मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। इसकी आंखों में भी देख नहीं पा रहा हूँ। लड़कियों, तुम्हारी पिक्चर बन रही है। शूट शुरू हो चुका है। मैंने कहा शूट शुरू हो चुका है। निकल जाओ यहाँ से।
ए डॉम, इसने मुझे बेवकूफ कहा, इसे ठिकाने लगाओ। तूने थूका मेरे ऊपर। नेट, जैक को अकेला छोड़ दो, तुम कब तक मैं तो इसके पीछे हूँ ना।